हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी, नारी और नारी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी, नारी और नारी। विनोद अभी ऑफिस से आया ही था कि माँ ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, विनू समझा दे अपनी बीवी को। अरे कौन से बड़े बड़े काम करती है ये? यह काम तो हम लोग रोज़ ही करते आ रहे हैं, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, चार काम ही तो करने होते हैं और पूरा दिन निकाल देती है। ऊपर से उसका ये दुखता है वो दुखता है, हर दो मिनट में फ़ोन उठा लेगी, जैसे हमने तो कभी कोई काम किया ही नहीं है। और वह नैना को आवाज़ लगाता है, नैना चाय का कप ले आती है। उसने पत्नी से पूछा, माँ क्या कह रही है? तो वह कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप सुने जा रही थी। ये देख विनोद ने तो कुछ ना बोला, पर माँ जल्लीकट्टी सुनाई जा रही थी। ऐसे में विनोद को माँ का तर्क मजबूत लगा, माँ ठीक ही तो कह रही है, आखिर माँ भी तो कितना काम करती थी पहले। लेकिन नैना का तो अलग ही नाटक है, विनोद करता भी क्या, दोनों के बीच में पीसना तो उसे ही था, इसलिए पत्नी से बात करने उसके पीछे पीछे चला गया और गुस्से से बोला, अरे क्या ही काम करना पड़ता है तुम्हें, मुझे देखो सुबह से शाम हो जाती, उठता हूँ घर के बाहर रहता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तब जाकर शाम को आराम करना चाहता हूँ तो तुम्हारी किचकिच चल रही होती है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, अभी उसके सामने माँ भी तो नहीं थी कि बोलते समय उसका कोई लिहाज करना पड़ता। तो वह बोल पड़ी, ठीक है पति देव जी, एक दिन आप मेरी ज़िंदगी जीना पसंद करोगे? तो उसने भी कह दिया, ठीक है कर दूँगा। उस दिन तुम कुछ भी काम मत करना, बस बैठी रहना, और जो तुम दिन भर यहाँ वहाँ अड़ोस पड़ोस में गपशप करने चली जाती हो ना, बचे कुछ टाइम में अपनी मायके वालों से फ़ोन पर बातें करने में लगा देती हो। अगर पूरा दिन टाइम पास नहीं करोगी तो 2 घंटे में काम सब निपट जाएगा। नैना एक बार तो मुस्कराई और बोली, नहीं नहीं पति देव जी, आपको पूरा दिन घर का काम नहीं करना है, बस आपको मेरे हिस्से के 3 ही काम करने हैं। बस 3? बताओ भला कौन से हैं वो 3 काम? तो पत्नी बोली, पहला काम मैं कपड़े धोऊंगी और आपको उन्हें बस सुखाना है, और दूसरा काम मैं सारे बर्तन साफ़ करूँगी, आपको बस उन्हें जमाना है, और तीसरा काम मैं सारे घर में झाड़ू पोछा करूँगी, आपको बस कचरा उठाना है। विनोद एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम भी ना अच्छा खासा मौका दे रहा था आराम करने का, हाथ से गवा रही हो, चलो ठीक है कल सुबह तैयार रहूँगा। सुबह हो गई, सबका चाय पानी नाश्ता हुआ, उसके बाद पत्नी ने सारे बर्तन धोकर टोकरे में रख दिए। तो वो बर्तन जमाने के लिए विनोद आगे बढ़ा, उतने में पत्नी बोली, अरे नहीं पतिदेव जी, बर्तन के ऊपर का पानी निथार दीजिए, उसके बाद ये जो चीनी के कप है ना उनको वहाँ सामने रखना है, और हाँ पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना, और ये जो प्लेटें हैं ना उनको सिंक के नीचे वाले हिस्से में रखना है, इनको भी अलग अलग रखना है, एक के साथ एक रहेंगी तो अंदर से चिपक जाएंगी, और यह चाय की केतली इसे धूप में रखना, इससे उसकी स्मेल चली जाएगी। यह माजी की दवाई का गिलास उसके कमरे में रख के आना और अच्छे से सुखा के रखना। विनोद ने उसकी बात सुनी और ठीक वैसे ही बर्तन जमाने में लग गया। बर्तन जमाते जमाते कब 15 मिनट निकल गए उसे पता ही नहीं चला। क्या करता, चीनी की प्लेटें थी, हल्के हाथ से साफ करनी पड़ती है नहीं तो टूट जाती, और साथ ही डर था कि कहीं टूट गई तो रोज़ माँ नैना को सुनाएगी सो अलग। फिर नैना ने झाड़ू निकाली और कचरा वहीं रहने दिया। विनोद कचरा उठाने गया तो पत्नी बोली, पति देव जी कचरे को अलग अलग करके डालना है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, और किचन में जो मैंने अभी सब्जी साफ़ की है उसमें से जो हरी घास और कुछ डंठल वगैरह हैं वो नीचे गाय माता आएगी तो उनको खिला देना, साथ में रात की रोटी भी रखी हुई है वह भी लेते जाना। वह एक हाथ में गीला कचरा और एक हाथ में सूखा कचरा, कचरे की गाड़ी की आवाज़ तो आ रही थी, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई थी, शायद जगह जगह रुकते हुए आती है इसलिए समय लग रहा है। तो वह उसका इंतज़ार करते बाहर खड़ा हो गया। अकेले अकेले इंतज़ार करते करते वह बोर होने लगा। फिर 10 मिनट बाद गाड़ी आई तो उसमें कचरा डाल दिया, वह फिर से घर के अंदर दाखिल हो गया। इस तरह 15 से 20 मिनट निकल गए। वह थोड़ी देर बैठ गया, पत्नी को देखा वह सारे कपड़े इकट्ठा कर रही थी धोने के लिए। जैसे ही वह आराम करने की सोचने लगा तो बाथरूम से ज़ोर ज़ोर से कपड़े धोने की आवाज़ आने लगी। वह तमतमाते हुए बाथरूम के पास गया और उसे बोलने ही वाला था कि गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, कपड़ों पर नहीं। तब देखा कि वह जींस को रगड़ रही थी जिसके ऊपर कल सब्जी गिर गई थी। वह चुपचाप बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वह 2 बाल्टी कपड़े विनोद के सामने रखते हुए बोली, इन्हें सुखा कर आइए, और हाँ इसमें ये जो साड़ी है
इसका रंग जाता है इसलिए इसे छाया में सुखाना, और जो शर्ट और पैंट है इनको उल्टा करके सुखा देना ताकि इनका भी रंग ना जाए और धूप भी लग जाए। सारे कपड़ों को क्लिप भी लगा देना और अलग अलग दूर दूर सुखाना ताकि वो ठीक से सूख जाए। पता नहीं कब बारिश आ जाए और इन्हें उठाना पड़े। उसने बाल्टी उठाई और वह ऊपर छत की ओर चला गया। छत पर जाते ही एक एक कपड़ा अलग अलग करके सुखाने लगा। पैंट को उल्टा करके डाली, शर्ट के बटन लगाए, रस्सी पर लगे कपड़े सुखाते हुए देखा कि कॉलर और पैंट के ऊपर जो दाग थे वो निकल चुके हैं। वह मन ही मन पत्नी की तारीफ करने लगा। फिर उसे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े सुखाना तो उसे बड़ी मुश्किल का काम लगा। जैसे डालता वैसे हवा का झोंका उन्हें उड़ा देता था। एक हाथ से कपड़ा पकड़ता और एक हाथ से चिमटी लगाता, जैसे तैसे कपड़े सुखाने में आधा घंटा चला गया। तो इतने में पड़ोस की दीदी भी छत के ऊपर आ गई। उन्हें हेलो बोला तो उसने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या बात है भैया, आज आप कपड़े सुखाने आए? विनोद ने सिर्फ मुस्कान के साथ हाँ मैं सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर नीचे की ओर आ गया तो पत्नी खाना बना चुकी थी। सिंक में बर्तन जमा हो चुके थे, कढ़ाई, तवा, चम्मच, मिक्सी के जार, चकला बेलन और न जाने कितने सारे बर्तन। बीच बीच में आने जाने वाले भी चल रहे थे, इसलिए चाय के बर्तन वापस से सिंक में हाजिर हो गए। पत्नी ने सारे बर्तन साफ किए और सबको खाना परोसने लग गई। सबने खाना खाया और फिर से सिंक में बर्तन जमा हो गए सबके खाना खाने के। विनोद अभी जो पहले बर्तन जमा ही रहा था, तब तक पत्नी ने दूसरे बर्तन भी धोकर रख दिए और बड़ी दया की दृष्टि से बोली, अब इन्हें रहने दीजिए, दोपहर बाद जमा दीजिएगा। उसने देखा इतनी देर में सुबह से वह एक बार भी बैठी नहीं और न ही उसने अपने फ़ोन को हाथ तक लगाया, तो उसने कहा, क्या बात है, आज तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया? तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको ही तो फ़ोन लगाती हूँ, आज आप घर पर हैं तो क्यों लगाऊँ? क्यों, मायके में किसी को नहीं लगाती हो? माँ तो कहती है कि दिन भर मोबाइल पर लगी रहती है। मेरी तरह मेरे मायके की औरतें भी काम में ही बिजी रहती हैं, त्यौहार पर छुट्टियों के दिन बातचीत कर लेते हैं। माँ ने ऐसा बोला तो ठीक ही बोला होगा, बच्चों की ट्यूशन वाली, गैस कनेक्शन वाला, डिस्क वाला, कुरियर वाला, आधे से ज़्यादा काम तो आजकल मोबाइल पर ही होते हैं। फिर इतने में बच्चे भी घर आ गए तो उसने वापस से गैस जलाया, बच्चों को उनके मनपसंद से खाना खिलाया, बच्चों के टिफ़िन वापस सिंक में आ गए, फिर से उनके खाने की प्लेटें वहाँ जमा हो गई। पत्नी ने उन्हें भी धोया और एक साइड में रख दिया, फिर झाड़ू निकालने लग गई। यह सुबह से दूसरी बार का झाड़ू था, कचरा तो हो ही चुका था। इतने में माँ की भी आवाज़ आई, बहू चाय बना दो, तो वह चाय बनाने में लग गई। वापस से चाय के बर्तन सिंक में चले आए, पत्नी ने उनको भी धोया और रख दिया। बच्चे स्कूल से आए थे तो उनके स्कूल के कपड़े भी बाथरूम में आ गए, तो पत्नी और कपड़े धोने में लग गई ताकि दूसरे दिन स्कूल में वही कपड़े पहन के जाने थे। वह किचन में धुले हुए बर्तनों का ढेर देखकर ही डर रहा था कि इनको पहुंचकर सुखाना भी है और जमाना भी है। तभी इतनी देर में पत्नी बाल्टी में बच्चों के स्कूल के कपड़े धोकर ले आई और बोली, इन्हें सुखा कर आइए। यूं ही पूरा दिन चला गया, शाम का नाश्ता हुआ, वापस से सिंक में बर्तन आ गए, फिर रात का खाना शुरू हुआ, वापस से सिंक में बर्तन आ गए, पूरा दिन यही चक्कर चलता रहा। तो उसे पत्नी पर दया आ गई, जिन चीज़ों को सिर्फ सुखाने में उसे आलस आ रहा था उनको तो पत्नी धोकर चमकाती है, फिर सुखाती है, उसके बाद प्रेस करके अच्छे से जमाती भी है। शाम को उसने पत्नी से कहा, आज मुझे पता चला कि तुम दिन भर कितना काम करती हो और कितने अच्छे से करती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी माँ से बात क्यों नहीं करती, उनका ख्याल रखती हो, वह फिर भी तुमसे गुस्सा क्यों रहती है? तो पत्नी बोली, आज आपने एक दिन मेरे हिस्से का थोड़ा सा काम करके देखा तो आपको मेरी हालत का पता चला। माँ जी तो यह ज़िंदगी खुद जी चुकी है, दिन भर खुद अपनी आंखों से रोज़ मुझे देखती हैं, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं रहती, कमियां निकालती रहती है, मेरे शरीर के दर्द के नाटक समझती है। बताओ भला मैं कब तक अपनी सफाई पेश करूंगी? बोलूं तो बदतमीज़, ना बोलूं तो घमंडी। वो कहते हैं कि हमारा ज़माना हमारा ज़माना, लेकिन ज़माना बीत जाता है या बदल जाता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं बीत जाती है, उसे अपने हिसाब से नहीं बदला जाता। उनका समय कुछ और था और हमारा समय कुछ और है, वह आज भी बीते हुए में जी रहे हैं और मैं आज में जी रही हूँ। स्त्री को सही मायने में बुरा तब लगता है जब एक औरत ही उसकी कदर ना करे, इसलिए मैं माँ जी के आगे चुप ही रहती हूँ। बाहर खड़ी माँ जी ने सब सुन लिया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह आकर नैना को गले लगाती हैं, साथ ही दोनों सास बहू के आँखों से अश्रु का सैलाब फूट पड़ता है, सारे गिला शिकवा दूर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सीख देती है
कि आपसी मतभेद बातचीत करके सुलझाए जा सकते हैं ताकि जीवन आराम से चले। वर्तमान को वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड। प्रभु आपके चेहरे पे सदा मुस्कान बनाए रखे। चारू ब्लॉग उत्तराखंड, गुड बाय।